हेलो ऑल एवरीवन, फिर से स्वागत है आप लोगों को इस वीडियो में। फ्रेंड, आपका यूट्यूब चैनल सर्च इंजन में नहीं आ रही है तो आपके लिए इस वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि फ्रेंड इस वीडियो में मैं एक सेटिंग्स बताऊंगा जो आपका चैनल को सर्च इंजन में पहले शो करेगी। सो फ्रेंड, इस वीडियो लास्ट तक ज़रूर वॉच करना। तो चलिए फ्रेंड, पहले आप लोगों को गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन करने के बाद आपको सर्च बार में टाइप करना है youtube.com। सर्च बार में टाइप करने के बाद सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपको डेस्कटॉप सेट कर लेना है। डेस्कटॉप सेट करने के बाद आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, इस साइट को लोडिंग लेने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगी। और साइट ओपन होने के बाद आपको अपना जो जीमेल आईडी का जो लोगो है, यानी कि यूट्यूब का जो लोगो है, उस लोगो पर क्लिक करना होगा। देखिए, यूट्यूब का लोगो राइट साइड ऊपर कॉर्नर में दिख रही है, इस लोगो पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद फर्स्ट ऑप्शन दिख रही है, योर चैनल बोल के एक फर्स्ट ऑप्शन है, इसमें क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद दूसरा एक इंटरफेस ओपन हो गया। देखिए फ्रेंड, इसमें कस्टमाइज चैनल दिख रही है पहले ऑप्शन, कस्टमाइज चैनल पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद साइट थोड़ा सा लोडिंग लेगा। लोडिंग लेने के बाद इंटरफेस ओपन हो जाएगी। सो फ्रेंड, ये एक कंप्यूटर वर्सन है, ठीक है, और इस मोबाइल में ओपन हो रही है। सो थोड़ा सा इसलिए टाइम लग रही है, आप लोग थोड़ा वेट करना। देखिए फ्रेंड, पेज ओपन हो गया और अभी दिख रही है नीचे, बिल्कुल नीचे एक प्लस आइकन देख, सॉरी एक प्लस नहीं, एक सेटिंग का गियर आइकन दिख रही है। थोड़ा सा जूम कर रही है, सेटिंग्स का गियर आइकन नज़र आ रही है, इसमें क्लिक करना होगा आपको। इसमें क्लिक करने के बाद देखिए फ्रेंड, इसमें बहुत सारा ऑप्शन दिखाई दे रही। जनरल चैनल अपलोड डिफॉल्ट परमिशन और कम्युनिटी एग्रीमेंट, ये सारी चीज़ दिखाई दे रही है। आप लोग को चैनल में क्लिक करना होगा। चैनल में क्लिक करने के बाद पहला जो ऑप्शन है बेसिक इन्फॉर्मेशन, बेसिक इन्फॉर्मेशन के अंदर कंट्री ऑफ रेसिडेंस शो कर रही है, आपका जो भी कंट्री है सेलेक्ट कर लेना। और सेलेक्ट करने के बाद कीवर्ड्स नीचे देख रही है, कीवर्ड्स, ठीक है, कीवर्ड्स में आपका क्या लिखना है, कीवर्ड्स में आपका जो भी चैनल है उसको उल्टा सीधा ऐसे करना है, कैपिटल लेटर में, स्मॉल लेटर में, कैपिटल स्मॉल दोनों मिक्स करके लिखना है। ऐसे ही लिखने के बाद सेव कर देना है। तो चले फ्रेंड, मैं थोड़ा सा लिख लेता हूँ एक दो वर्ड। ऐसे आप लोगों को टैग तैयारी करना है, छोटा छोटा टैग तैयारी करना है, ठीक है। ऐसे उल्टा सीधा लिखने के बाद छोटा छोटा टैग आपको क्रिएट करना होगा। ऐसे देखिए, कैपिटल में मैंने लिख लिया, और इसके बाद थोड़ा स्मॉल वर्ड भी लिखना होगा, ठीक है, स्मॉल वर्ड को लिखना होगा, ताकि ये लिखने का जो फ़ायदा है, आपको जो फ़ायदा मिलेगी, ताकि ऑडियंस, कभी कभी क्या होता है ना, आपका जो भी चैनल का जो भी नाम, वो स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक होने के वजह से आपका चैनल सर्च में आना ही आती है, और कीवर्ड्स तो आपने कोई भी कीवर्ड्स नहीं डाला, इसलिए सर्च में नहीं आ रही है। आपको कीवर्ड्स डालना है और उल्टा सीधा ऐसे करके डालना है। सो आपको ऐसे ही पहले चैनल का नाम कैपिटल में डालना होगा, और उल्टा सीधा ऐसे करके डालना होगा, और उसके बाद स्मॉल लेटर में भी ऐसे ही उल्टा सीधा करके डालना होगा, ठीक है। इसमें रॉन्ग भी डालना होगा, राइट वो डालोगी, रॉन्ग भी डालो, दोनों मिक्स करके डालना होगा, ताकि आपका चैनल जो भी है सर्च में, कोई भी बंदा आने के बाद आपका चैनल कीवर्ड मिस कर देती है, ठीक है। आपका जो भी नाम है उस नाम में शायद ना ही सर्च कर रही है, दूसरा नाम में सर्च कर रही है, ठीक है, उस टाइम में भी आपका चैनल शो हो जाएगी। सो इसलिए आप लोगों को इसमें 500 कीवर्ड्स का टैग लगाने का जो कैपेसिटी दिया गया है यूट्यूब की तरफ से, 500, इसमें देखिए आप लोग 500 कैपेसिटी है, इसमें टैग लगाने का जो कैपेसिटी है वो 500 वर्ड्स का कैपेसिटी है। देखिए ऐसे 500 कीवर्ड्स का टैग लगाने के बाद आपको नीचे दिख रही है सेव बटन, सेव कर देना है, ठीक है। सेव करने के बाद 7 डेज के अंदर, 7 डेज नहीं बल्कि वो 2-4 दिन के अंदर आपका चैनल सर्च में रैंक कर जाएगी। सो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं अगला कोई टॉपिक में।
सो फ्रेंड, वीडियो को अच्छा लगा है तो कोई भी हेल्प या नॉलेज मिला है तो चैनल को एक वीडियो को एक कमेंट कर देना और एक लाइक कर देना, और चैनल में नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आगे भी ऐसे ही अपडेट आप लोगों को मिल जाएगी।